हेलो दोस्तों, इस लैपटॉप में हमने SSD को इंस्टॉल करना है। हार्ड डिस्क को निकाल के सबसे पहले हम बैटरी को खोलेंगे, एक लॉक को अनलॉक करेंगे, दूसरा स्प्रिंग वाला लॉक होता है उसे पुश करके बैटरी को बाहर निकाल लेंगे स्लाइड करके। अभी बेस पे इसके स्क्रूज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्क्रूज है प्लस एक कवर का स्क्रू है। सबसे पहले हम कवर वाला स्क्रू खोलेंगे। ओपनर की मदद से कवर को उठा लेंगे। ये हमारा कवर ओपन हो गया है। अभी हम बेस के बाकी के स्क्रूज खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। अभी हमने एक स्क्रू खोलना है फिर से। ये हमारा DVD ड्राइव पे लगा हुआ स्क्रू है। स्क्रू खोल के हमने DVD ड्राइव को स्लाइड कर लेना है, इसे बाहर खींच लेना है। बाकी तीन स्क्रूस लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेंगे। अभी हमने एक एंटीने की केबल है वाईफाई की, इसकी निकाल इसको निकालेंगे पहले। फिर कीबोर्ड की केबल को अनलॉक करके इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर नीचे टच पैड की केबल है, इसको हम पहले अनलॉक करेंगे फिर केबल को बाहर खींच लेंगे। एक हमारे हार्ड डिस्क की केबल लगी होती है, उसको सिर्फ पकड़ के ऊपर खींच लेना है। इसके जो हिंज की साइड वाले स्क्रूज होते हैं उस पे स्टॉपर रबर लगी होती है, उसके नीचे भी स्क्रूज लगे होते हैं। वो अगर आप चाहे तो खोल सकते हैं, वरना कोई इतना कंपलसरी नहीं है उसे खोलना, क्योंकि वो सिर्फ कवर को ही होल्ड करके रखते हैं। इन स्क्रूज की साइज़ बहुत छोटी होती है, ये सिर्फ ऊपर से एक कवर लगा हुआ है, इसको खोलना है। इस पे एक पावर बटन का भी कनेक्शन दिया होता है, उसका हमने केबल इसमें नहीं निकाली फ़िलहाल, बाद में निकाली है। अब हमने पैनल को ओपन करके इसके बेस और टच पैड के बीच में ओपनर को डाल के इसके जो प्लास्टिक के लॉक से इसे अनलॉक करेंगे। इस मॉडल में जो टच पैड है वो बाहर की तरफ निकलेगा। सभी तरफ से आपने प्लास्टिक के लॉक्स अनलॉक कर लेने। अब इसे धीरे से उठाना है। इस पे हमने पावर का बटन है, उसकी केबल नहीं निकाली हुई है, वो हम नीचे लगी हुई है, वो हम निकालेंगे। जहाँ वाईफाई कार्ड लगता है ठीक उसके पास ही इसका कनेक्शन दिया होता है, इसको हम सबसे पहले अनलॉक कर लेंगे और जो पावर बटन की केबल है इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी हमने जो ऊपर टच पैड और कीबोर्ड है इसको बाहर निकाल लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। जो हार्ड डिस्क के ऊपर केबल लगी होती है इसको पहले हम अनलॉक करके निकाल लेंगे। ये साइड में जो USB कार्ड लगा होता है उसकी केबल है, इसको साइड में करके। फिर जो हार्ड डिस्क की केसिंग है इस पे तीन स्क्रूज दिए हुए हैं, इन तीन स्क्रूज को हम खोल लेंगे। अभी हमने धीरे से हार्ड डिस्क को ऊपर उठा लेना है केसिंग के साथ।
इसमें वायर लगी होगी, वायर को हमने डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर केसिंग पे चार स्क्रूज दिए हुए हैं जो हार्ड डिस्क को होल्ड करते हैं, इसको हमने खोल लेना है। अभी हमने हार्ड डिस्क को निकाल लेना है। ये हमारी सीगेट की 500 GB हार्ड डिस्क थी। अभी हम इसमें SSD को डालेंगे। हमारे पास फॉक्सिन की SSD है। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको रख के इसके स्क्रूज टाइट कर लेने, चार स्क्रूज। ऐसे ही हमने इसके कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है, ये हमने अटैच करके। फिर हमने SSD को ठीक वैसे ही रख देना जहाँ से हमने हार्ड डिस्क को उठाया है, और जो केसिंग के तीन स्क्रू से इसको हमने टाइट कर देना है। आपने वायर का ध्यान रखना कि वायर प्रॉपरली नीचे लॉक में, जो प्लास्टिक के लॉक है उसमें होल्ड हो। अभी हमने स्क्रू टाइट कर लिए। इस पे हमने जो रिबन केबल है वो लगाएंगे, जो USB की होती है केबल। ये केबल को हमने अंदर डाल के सिर्फ ऊपर से लॉक कर देना है। अभी हमने इसके ऊपर टच पैड रखना है। जो इसकी केबल होती है पावर बटन की, उसका ध्यान रखना कि वो मदरबोर्ड के ऊपर ना रह जाए, उसे पहले नीचे करना है। फिर सभी तरफ से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपरली लॉक हो जाए। अभी हमने केबल से केबल्स को अटैच करना है। हमने केबल को अटैच करने के लिए ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। ट्वीज़र को लेके हमने कीबोर्ड की केबल के जो ऊपर का लॉक है उसे होल्ड करके केबल को अंदर डाल के ऊपर से लॉक कर देना है। फिर पावर बटन की केबल है, ठीक ऐसे ही इसे अंदर डालना है और ऊपर से लॉक करना है। सेम ऐसे ही टच पैड में है, टच पैड की केबल को पकड़ के उसके अंदर डालना है, फिर ऊपर से लॉक कर देना है। और ऐसे ही हार्ड डिस्क की केबल है, हार्ड डिस्क की केबल को सिर्फ ऊपर से अंदर नीचे की तरफ प्रेस करना है। और जो एंटीने की केबल है इसको हमने ध्यान से लगाना है, सिर्फ इसमें सिंगल एंटीने की केबल है, सिर्फ ऊपर रख के प्रेस कर देना होता है। अभी हमने बेस के सभी स्क्रूज को टाइट करना है। DVD ड्राइव है, इसको हम स्लाइड कर लेंगे अंदर की तरफ और स्क्रू लगा देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम इस पे कवर लगा लेंगे। नीचे से कवर लॉक लगता है और ऊपर सिर्फ एक स्क्रू दिया होता है, स्क्रू हमने टाइट कर लेना है। अभी बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर लेना हमने।
स्टॉपर रबर को स्टिक कर देंगे। अभी हमने इस पे बैटरी को जस्ट अंदर स्लाइड करना है। लेफ़्ट साइड का लॉक ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट वाला हमने लगाना है। फिर इसे ऑन करके बायोस में चेक कर लेंगे, F10 प्रेस करके इसकी बायोस ओपन हो जाएगी। शुक्रिया।